शाहरुख खान रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खूब रोमांटिक हैं। उनका सबसे बड़ा सपना उस दिन पूरा हुआ जिस दिन उनकी शादी गौरी खान से हुई। शाहरुख गौरी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों की राह में इतने रोड़े आए कि शाहरुख की जगह कोई और होता तो हिम्मत हार गया होता, लेकिन शाहरुख डटे रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरी के चक्कर में शाहरुख को एक रात रेलवे स्टेशन पर गुजारनी पड़ी थी और वहां मच्छरों और शराबियों की वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। ये बात तब की है जब शाहरुख दिल्ली में थिएटर में काम करते थे। उस वक्त गौरी के साथ उनके प्यार के खूब चर्चे थे। कॉलेज में भी दोनों की जोड़ी खूब चर्चित थी। गौरी के पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उन्हें जैसे ही शाहरुख और गौरी के अफेयर के बारे में पता चला तो तुरंत ही गौरी को मुंबई के रिश्तेदार के यहाँ रवाना कर दिया। शाहरुख को जब ये बात पता चली तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें लगा कि अब शायद उन्हें अपना प्यार नहीं मिल पाएगा, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वो गौरी को पाकर ही रहेंगे। बस फिर क्या था, गौरी के पीछे पीछे शाहरुख भी मुंबई पहुंच गए। मुंबई जाते वक्त उनकी मां ने शाहरुख को 10,000 रुपए दिए और कहा, जा बेटा मेरी बहू को वापस ले। मां से आशीर्वाद और पैसे लेकर शाहरुख मुंबई के लिए निकल पड़े। यहां वो अपने एक दोस्त के घर में रहने लगे। रोजाना वो सुबह उठते और गौरी को ढूंढने निकल पड़ते। सुबह से रात और रात से सुबह शाहरुख बस गौरी का पता ही खंगालते रहते, लेकिन कोई राह नजर नहीं आई। शाहरुख के पास कमाई को कोई जरिया तो था नहीं। माँ ने जो पैसे दिए थे वो भी धीरे धीरे किराए में खत्म हो गए। ऊपर से दोस्त का घर छोड़ने की भी नौबत आ गई। शाहरुख मायूस हो गए। गौरी का कुछ अताता नहीं था और ऊपर से जो पैसे घर से लाए थे वो भी खत्म हो गए। आखिर शाहरुख ने फैसला किया कि वो रेलवे स्टेशन पर ही सोएंगे। ये सोच वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आ गए और वेटिंग रूम में सो गए, लेकिन यहाँ मच्छरों ने काट काट कर शाहरुख का बुरा हाल कर दिया। ऊपर से आसपास शराब पीकर लोग सो रहे थे, उनसे भी शाहरुख की नींद उड़ गई। जैसे तैसे शाहरुख ने वो रात किसी तरह गुजारी।